हर हर महादेव, बोलबम ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। तो अभी हम लोग कावड़िया पथ में, और आज हम आपको बता दें कि आज हमारा जो मलामास है, हमारा मलामास का आज पांचवा दिन है, ठीक है। और आपको हम यहाँ का जो कावड़िया पथ का क्या अपडेट है मलामास के पांचवें दिन में, वो सारा चीज देंगे और पूरा कावड़िया पथ दिखाएंगे। जहां तक होगा मैं आपको वहां तक का कावड़िया पथ अभी आपको दिखाऊंगा। तो जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि कावड़िया लोग किस तरह से कावड़ लेकर के देवघर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो चलिए हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हमारा मलामास का पांचवा दिन है, और देखते हैं कि कावड़िया पथ में कैसा भीड़ है, और कुछ कावड़िया लोग से जानने का भी कोशिश करेंगे कि उधर का जो सुविधा था वो कैसा था, जो आपका होटल वगैरह वो खुला है या फिर नहीं है, जो आपका शिविर वगैरह है वो चीज में किस प्रकार का सुविधा मिल रहा, तो वो सारा चीज बात करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं आपको लगातार जो आपका कावड़ यात्रा आपका लगातार अभी इधर हो रहा है, और चलिए हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं और आज का अपडेट देते हैं। तो दोस्तों, अभी हम निकल चुके कावड़िया पथ में, और देख सकते हैं आज हमारा जो मलामास है यानी पुरुषोत्तम महीना का आज हमारा पांचवा दिन है, ठीक है। तो देख सकते हैं किस तरह से कावड़िया पथ में स्थिति है, बोल बम। और देखिए दोस्तों, आज के दिन में काफी ही जो धूप है वो आपका काफी कड़ा धूप किया हुआ है, जो कि आप सभी लोग इधर देख पा रहे होंगे। और इधर जो आपका बारिश है वो बारिश भी आपका लगातार नहीं हो रहा है। और आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हमारा जो मलामास है, मलामास का पांचवा दिन है, और पांचवा दिन का मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। देख सकते हैं कावड़िया में जो कावड़िया पथ आपका किस तरह से पूरा कावड़िया पथ आपका इधर सूखा हुआ है, और जो मतलब कि जो कावड़ यात्रा, वो कावड़ यात्रा देखे किस तरह से आपको कहीं कहीं पर आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी लोग जो होते हैं हमारे मलामास में कावड़ यात्रा नहीं करना चाहते, क्योंकि वो इस मतलब कि मलामास माँ को अशुभ मानते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आपको कहीं कहीं पर आपको जो आपको कावड़िया लोग आपको इधर देखने को मिल रहे हैं। और देख सकते हैं इधर जो आपका शिविर टाइप का जो होता है निःशुल्क आपका इधर उपलब्ध कराया है, और देख किस तरह जो कावड़िया लोग वो धूप में छोड़ करके जो आपका छाव है, छाव में इधर चलना पसंद कर रहे हैं। देख आप जैसे कि देख सकते हैं इधर जो आपका काफ़ी कावड़िया लोग इधर कावड़ रख करके यहाँ पर आराम कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इधर आपका जो धूप है वो काफ़ी ज़्यादा इधर धूप किया हुआ, और आपका जो बारिश है इधर बारिश भी नहीं हो रहा। देख सकते हैं पूरा कावड़िया पथ में जो बालू है वो पूरा एकदम सूख चुका है, जब तक इसमें पानी नहीं पड़ेगा तब तक कावड़िया लोग को जो चलने में वो काफ़ी दिक्कत होगा। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं सामने हमारे काफ़ी कावड़ी मामा को देखने को मिल रहे होंगे, देख सकते हैं आप सभी लोग। और चलिए हम आपको लगातार आपको आगे तक लेकर के चल रहे हैं, और चैनल को अभी तक आप सभी लोग सब्सक्राइब नहीं, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देख सकते हैं दोस्तों दुकान वगैरह की बात करें तो दुकान वगैरह देख सकते हैं इधर आपको जो दुकान है वो मतलब कि दुकान वगैरह खुला हुआ, और देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैक्टर के माध्यम से जो आपका पानी होता है किस तरह से ट्रैक्टर के माध्यम से आपका इधर पानी डाला जा रहा है पूरे कावड़िया पथ में। इधर देखिए ट्रैक्टर के माध्यम से जो टैंकर होता है, टैंकर के माध्यम से जो पानी डाल करके ये जो आपका कावड़िया पथ है इसको भिंगाने का कोशिश किया जा रहा है, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं। और इधर दोस्तों जो शिविर वगैरह देख सकते हैं, इधर आपका एक नंदी बम सेवा शिविर है, जो कि शिविर वगैरह भी आपका काफ़ी शिविर आपका बंद हो चुका है। और चलिए हम आपको लगातार आपको आगे तक लेकर के चलते हैं, और देखिए किस तरह से सभी कावड़िया लोग जल लेकर के देवघर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और दोस्तों इधर का जो भीड़ है वो काफ़ी ही कम भीड़ हमें इधर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी हमारा मलामास महीना चल रहा है, और मलामास महीना में काफ़ी ही जो कावड़िया लोग होते हैं वो काफ़ी यात्रा करना पसंद नहीं करते। जैसे हमारे झारखंड हो गए, बिहार के जो कावड़िया जो होते हैं वो मलामास को अशुभ मानते हैं, लेकिन जैसे यूपी के हो गए, इसके बाहरी कावड़िया लोग जो है वो इसको शुभ मानते हैं। देख सकते हैं जैसे कि आपको फवारा भी यहाँ पर है, और फवारा वगैरह भी देख सकते हैं आपके इधर फवारा भी चालू है, और इससे पानी भी आपके इधर देखने को मिल रहा होगा। और देखिए दोस्तों कावड़िया पथ पर कुछ इस प्रकार का आपको स्थिति अभी आपको इधर देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं इधर जो कावड़ रखने का जगह है, एक कावड़ रखने का भी जगह आपका कंटिन्यू इधर आपका बनाया गया है। और देख सकते हैं दोस्तों जो ये जो आपका दुकान वगैरह भी आपका इधर कंटिन्यू खुला है, लेकिन भीड़ नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया कि मलामास महीना चल रहा है और इसमें कावड़िया लोग काफ़ी कम संख्या में आपको देखने को मिलते हैं। और आज हमारा जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हमारा मलामास का पाँचवा दिन हो चुका है, पाँचवा दिन का ये अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ आज का। देख सकते हैं सामने आपको एक और शिविर देखने को मिल रहा होगा, और जो जैसे मैंने आपको बताया था कि जितना भी शिविर वगैरह था, शिविर वगैरह सारा शिविर आपका भी बंद हो चुका है। कुछ कुछ शिविर में आपको इधर सुविधा मिल रहा है, कुछ कुछ शिविर में आपको इधर सुविधा नहीं मिल रहा है। और चलिए हम आपको लगातार आपको आगे तक लेकर के चलेंगे, और देख सकते किस तरह से सभी कावड़िया लोग जल लेकर के देवघर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और देखिए दोस्तों कावड़िया पथ कितना ही सूख चुका है, और देखिए दुकान वगैरह भी आपको पूरा खाली खाली अभी इधर आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि जरा सा भीड़ अभी आपको ये जो आपका पथ है अभी इधर आपको नहीं देखने को मिलता है। तो चलिए हम आपको लगातार आगे लेकर के चलते हैं, और देख सकते हैं किस तरह से सभी कावड़िया लोग देवघर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। देखिए इधर, और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक और फवारा में मिला है, और फवारा भी देख सकते हैं फवारा भी आपका लगातार चालू है इधर, ताकि फवारा के जरिए जो हमारे कावड़िया लोग हैं कावड़िया लोग को थोड़ा तो राहत मिले,
क्योंकि इधर बारिश जो है कुछ भी बारिश नहीं हो रहा और पूरा कावरिया पास भी आपका इधर सूख चुका है। ट्रैक्टर के माध्यम से जो आपका टैंकर होता है उसके माध्यम से इधर जो भी आपका बालू है उसको भिंगाने का कोशिश किया जा रहा है। देख सकते हैं काफ़ी ही जो खराब परिस्थिति भी हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होता तब तक हमारे कवारी लोग काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है हमारे ये इस दिनों में। और देखते हैं कब तक बारिश जो हमारा शुरू हो जाएगा। जैसे बारिश शुरू हो जाएगा मैं आपको अपडेट तो कराऊंगा। और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख सकते हैं इधर जो दुकान है और बोलबम और चलिए हम आपको लगातार आगे लेकर चलेंगे। और देख सकते हैं आज के दिनों में हमारा जो मलामास का पाँचवा दिन का कांवरिया पथ का कुछ इस प्रकार का स्थिति भी आपको इधर देखने को मिल रहा होगा। पूरा कांवरिया पथ सुना सुना आपको इधर देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि हमारा जो ये जो आपका मलामास माह में, तो मैंने आपको बताया कोई कोई शुभ मानते हैं कोई कोई अशुभ मानते हैं। और आप लोग अगर बोलबम नहीं आ रहे तो बोलबम भी आइए, ठीक है। और सावन भी अब हमारा, तो ये जो आपका महीना है ये एक महीने के बाद हमारा लगातार जो है वो आपका शुरू हो जाएगा। मलामास महीना है और देख सकते हैं किस तरह से भी कांवरिया लोग आ रहे हैं, धूप में इतने कड़क का धूप में चलना पसंद कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको लगातार आगे आपको लेकर के चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं आज का इधर का अपडेट। और दोस्तों आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से सभी कांवरिया लोग जो है वो आपका देवघर की आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ से दोस्तों जो देवघर का डिस्टेंस वो कुछ ही दूरी पर यहाँ पर देवघर है। और देख सकते हैं किस तरह से कांवरिया बम लोग जो है वो देवघर की ओर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और देखिए लगातार जो कांवड़ यात्रा आपका लगातार हो रहा है। और मैंने आपको बताया कि जैसे कि आज हमारा जो मलामास है, आज हमारा मलामास का पाँचवा दिन है और पाँचवा दिन का मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूँ। देख सकते हैं कितने कांवरिया बम लोग आपको इधर देखने को मिल रहे होंगे। और यहाँ पर दोस्तों जो कांवर रखने का जगह है वो कांवर रखने का भी आपको जगह आपको मिल रहा होगा। और धूप दोस्तों आज की बात करें तो इधर जो आपका धूप है वो काफ़ी ज़्यादा इधर आपका धूप भी किया गया, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं। और इतना कड़ा धूप में सभी कांवरिया लोग चल रहे हैं, आप सभी लोग इधर देखिए। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हमें आज देखने को मिला जो आपका मलामास है, मलामास के पाँचवें दिन में। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दोस्तों इधर आपको देखने को मिल रहा होगा। और जो हमारा कांवर यात्रा है आपका लगातार शुरू हो चुका है। और दोस्तों अभी हम लोग जगह की बात करें तो कि अभी हम लोग जो आपका खिजुरिया है, अभी हम लोग जस्ट खिजुरिया के पास है। और देख सकते हैं किस तरह सभी कांवरिया लोग देवघर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको इधर से भी एक बार दिखाता हूँ, देखिए इधर भीड़ हमें दोस्तों ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन ठीक ठाक भीड़ हमें इधर अभी देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप सभी लोग इधर देख पा रहे होंगे। और दोस्तों आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो आपका ये ट्रैक्टर के जो आपका टैंकर है, टैंकर के माध्यम से आपका जो कांवरिया पथ आपका भिंगवाया जा रहा है। इधर आप लोग देखिए और देख सकते हैं इधर बम लोग जो है वो आपका पार हो रहे हैं। देखिए इधर किस तरह से आपका टैंकर के माध्यम से जो पानी है वो आपका पानी इधर जो आपका कांवरिया पथ है, कांवरिया पथ आपका भिंगाया जा रहा है। दोस्तों ये था दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। और दोस्तों यहाँ का जो भीड़ है यह काफी अच्छा खासा भीड़ हमें अभी देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए हर महादेव, जय बैद्यनाथ।